नमस्कार, मैं आपका अपना राजा नहीं सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में चुनाव होना है एमसीडी का, हो सकता है कि 20 अप्रैल के आसपास चुनाव, ऐसा अनुमान है। सभी पार्टियां दावे कर रही है, वादे भी कर रही है, तो सब कह रहे कि अब की बार हमारी सरकार। हमारे साथ है जितेंद्र तोमर जी, आम आदमी पार्टी के सिपाही हम उनको कह सकते हैं, उनकी धर्म पत्नी यहाँ से विधायक है। आइए एमसीडी के चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आपका आज समय बड़ा कीमती है, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे जी। एक अहम सवाल जी, एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में जी। और ये बड़ा आकार बन गया है, जगह जगह फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। क्या 15 साल से भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन नहीं चला पाई एमसीडी में? पूरा देश जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, दिल्ली के लोग जानते हैं पिछले 15 साल में कितना बर्बाद किया है दिल्ली को, सारी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बन गए। आपने कई बार देखा होगा कि 5-5 महीने 6-6 महीने सफाई कर्मचारियों की, अधिकारियों की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, उनको बेचारों को मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ा, पूरी दिल्ली बेबस हो गई बुरी तरह से। तो स्कूलों की हालत देखिए, क्या हालत है स्कूलों की एमसीडी के, एमसीडी के हॉस्पिटल्स की हालत देखिए क्या है। तो पूरी तरह त्रस्त हो गई है दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता में आप कहीं चले जाए, आज कॉमन परसेप्शन है ये कि आप दिल्ली में किसी भी कैटेगरी में चले जाए, किसी सेक्शन में चले जाइए, आइदर दैट इज लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, झुग्गी में चले जाइए, कोठी में चले जाइए, सब लोगों का परसेप्शन है आज के दिन कि एक बार एक मौका हम अरविंद केजरीवाल को देंगे एमसीडी में, ताकि जो काम हमने करके दिखाया, हमने दिल्ली सरकार में करके दिखाया। आप स्कूल देखिए हमारे, आप हॉस्पिटल्स देखिए हमारे, तमाम चीज़ों, बिजली के क्षेत्र में देखिए, पानी के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, किसी भी चीज़ में हमने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया। सारा दिल्ली के मॉडल को पूरे देश के लोग मानते हैं, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि हम एक बार आम आदमी पार्टी एमसीडी को टेक ओवर करें और फिर हम बढ़िया काम करके दिखाएं, एमसीडी का भी, जो एमसीडी नहीं कर पा रही है। अभी आपने कहा कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, आदेश गुप्ता जी ने एक आदेश किया, अभी 16,500 कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। 15 साल में क्यों नहीं किया आदेश, ये इलेक्शन से 10 दिन पहले क्यों किया साहब? और आदेश किया है ना, उसको इंप्लीमेंट तो कर दो। 15 साल, ये 5 साल, उससे पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल, तब आपने आदेश गुप्ता जी आपने उनको कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। ये जुमला है, जुमला ही है, जुमला तो 15 लाख का भी था, फिर बोला उन्होंने अमित शाह जी ने कि तो जुमला था, तो ये भी जुमला है। 15 साल में नहीं किया और आप 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन रह गए, आचार संहिता लग जाएगी 15 दिन के बाद मैक्सिमम, तब कर देंगे। अच्छा सर, 15 साल से काम नहीं हुआ बीजेपी में, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, 272 सीटें आती है जी, तो क्या परिवर्तन करेगी एमसीडी में आम आदमी पार्टी? सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया करेंगे, कर्मचारी कोई तंग नहीं होगा, सबको 30 तारीख को सबके अकाउंट्स में पैसे होंगे। अभी 3-3, 4-4 महीने सीनियर ऑफिसर्स के पैसे भी नहीं आते, कर्मचारियों की बात तो छोड़ दीजिए बेचारों की, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके पैसे, उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है 4-4 महीने। हम समय पर तनख्वाह देंगे, तमाम जो कूड़ा को, जो पहाड़ बने हुए हैं, सबको हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, और दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाएंगे, बहुत खूबसूरत। विकास की बात करते हैं हम, विकास की बात। अच्छा सर, आप ही की पार्टी गीता रावत जी की मैं बात कर लेता हूँ जी, एक आरोप लगा जी, उस आरोप में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, ये किसी का पर्सनल मैटर होता है, इसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आप पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो जब कोर्ट में जाएगा तो पता लगेगा, मतलब कानूनी कार्रवाई। हाँ, कानून अपना काम करेगा। चलिए एक आखिरी प्रश्न, एमसीडी चुनाव को लेकर अपने वार्ड वासियों से, दिल्ली वासियों से, हमारे चैनल के माध्यम से, सच की रफ्तार के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली वासियों को? मैं तो विशेष तौर पे मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, और मेरी विधानसभा में दो चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि तैयारी कर लो, अब हम 5 साल तैयार रहते हैं, 5 साल काम करते हैं, और मेरी विधानसभा के लोगों से मेरा 1-to-1 है, सबसे मेरा सबसे पर्सनल संबंध है। अगर मैं, आप मेरी फोन बुक देखेंगे तो मेरी फोन बुक पे 14,000 नंबर हैं जो मेरी विधानसभा के लोगों के हैं। और एक काम और करना, आप बाहर जाएंगे तो आप कहीं भी एट रैंडम जाएंगे, किसी को पूछना यार मुझे जितेंद्र तोमर का नंबर चाहिए, है कि आपके फ़ोन में, वो आपको फ़ोन नंबर निकाल के देगा। मेरी सबसे पर्सनल बात होती है, 200 से 250 लोगों से मैं रोज फोन में बात करता हूँ, जिनके फ़ोन आते हैं सबके फ़ोन रिसीव करता हूँ, गरीब हो, अमीर हो, लिस्टेड फोन हो, अनलिस्टेड फोन हो, सारे फ़ोन उठाता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। तो मेरा तो लोगों से ये कहना है कि इस बार एक बार हमको मौका दीजिए, आम आदमी पार्टी को, निगम में भी, हम निगम में भी इतना बढ़िया काम करके दिखाएंगे। देखिए, हमने दिल्ली सरकार में अच्छा काम किया था, उसका सर्टिफिकेट लोगों ने दिया हमको। अगर हमको 2015 में 67 सीट दी थी, तो 2020 में पूरी, जब एमसीडी, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में थी, अमित शाह जी 3 दिन तक मेरे यहाँ पर्चे बांटने वाला नहीं था, इतने मतलब करोड़ों रुपए बांट दिए हर विधानसभा के अंदर, उसके बाद 62 सीट फिर दी हमको लोगों ने, सिर्फ इसलिए हमने काम किया था। हमने, आपको पता है,
पिछली बार जब मैं चुनाव में गया, मैं तो पहले अपने मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, हमारे जब अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से कहा कि 5 साल का मेरा रिपोर्ट कार्ड है ये, और 5 साल में अगर मैंने काम किया हो, आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया हो, केजरीवाल सरकार ने काम किया हो, तो हमको वोट देना वरना वोट मत देना। और मेरा भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट था हर सभा के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, हर मीटिंग के अंदर। मैंने पिछले कार्यकाल में 600 काम किए थे, 600 कामों का उद्घाटन किए थे, जिसकी एक बुकलेट तैयार की थी मैंने। उस बुकलेट में लिखा था कि कौन सा काम किया, कितना काम किया, कितने मीटर था, कितनी चौड़ाई थी, कितनी लंबाई थी, कितने पैसे लगे, और साथ में फोटोग्राफ्स थे वहाँ के लोगों के। आज तक 600 उद्घाटन हुए ना, मैंने आज तक एक भी नारियल अपने हाथ से नहीं तोड़ा है। लोग तोड़ते हैं, लोगों से बात हो। बीजेपी का एक और आरोप है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, कि पाठशाला का वादा किया था, घर घर में मधुशालाएं खोल दी। देखिए, आप अगर वो आंकड़े निकाल के देखेंगे, जितनी शराब की दुकान है उसको स्प्रेड किया है हमने, उसको ऐसा किया कि एक जगह कहीं 12 दुकानें हैं, एक जगह 6 किलोमीटर दुकान नहीं है, तो हमने उसको इसलिए किया था कि हर वार्ड वाइज दुकानें हों, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ दुकानें हों। दुकानों को हमने कोई बढ़ाया नहीं है, दुकानें घटाई हैं पहले से। चलिए, एक आखिरी प्रश्न, क्या इस वार्ड के हम दावेदार का नाम जान सकते हैं आपसे? 6 दावेदार हैं, 7, ठीक है। कल मेरी एक जनसभा थी, उसमें मैंने सबको मंच में खड़ा किया था और कहा था कि इस तमाम दावेदार महिला महिला सीट है हमारी, हमने कहा इनमें से कोई एक महिला, फैसला सरकार पार्टी करेगी कि कौन कैंडिडेट रहेगा। सर्वे अभी शुरू होगा, सर्वे होगा, उसके बाद नाम, जो जो नाम मेरे पास आए, जो मेरे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे नाम दिए, उन नामों को मैंने पार्टी को भेज दिया। अब पार्टी उनका सर्वे करवाएगी, उसमें जो पार्टी को लगेगा कि विनिंग है उसको टिकट देंगे। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र तोमर जी, धन्यवाद।